हिंदुस्तान को हमारे जय भारत जय हिंद। हमारे जो हमारे मीडिया के जो हमारे कर्मचारी हमारी मदद कर रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में मैं सुंदरवनी से हूँ, काजल पांडे और फरूफा जी, मेरी गुरु भाई है दुर्गा, ये मेरी नैना है, ठीक है ना जी। हम तीनों रहते हैं यहाँ पे रजौरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना जी। अब हमको टारगेट किया जाता है नकली किन्नरों के द्वारा, उन किन्नरों का मैं नाम बताती हूँ। एक है काजल उर्फ सोमनाथ, एक है संतोष जो सुंदरवनी में 30-35 साल से ने अब लोगों को गुमराह बिच डालिया कि मैं असली किन्नर हूँ, असली किन्नर हूँ। इसके 5 बच्चे हैं, इसके 2 बच्चे शादीशुदा होकर करके इन्हें सेक्स चेंज करवा करके फिर हम लोगों को धमकी दी जाती है कि गंदे अंग प्रदर्शन करो और क्या बोलते हैं वीडियो गंदी गंदी बनाओ, लड़कों के साथ बातें करो, ये करो। हम तो किन्नर हैं, हम लोगों के लिए दुआ के लिए पैदा हुए, गंदे काम के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है जे काजल मुझे पहले मैं इसकी चेला हूँ, इसने मुझे अपना चेला शिष्य बनाया। शिष्य बनाने के बाद मुझे साल भर मेरी कमाइयाँ खा करके सब कुछ इसने बोला, बच्चा मैंने इलाका खरीदा है मुझे कमा के दो तो मैं आपको सुंदरवनी लिख के देती, जैसा उसने कहा वैसा मैंने किया, ठीक है जी। तो इसने मुझे दिया इलाका सुंदरवनी का। अब मुझे कारकेट करता है कि मेरे जो मैं काम जैसा गंदा करती हूँ, उल्टा सीधा काम करती हूँ, लड़कों से बातें करती हूँ, गंदे ब्लैकमेलिंग करती हूँ, लड़कों के साथ में वीडियो कॉलिंग, जिनकी गंदी बात उतना हम नहीं बोल सकते, तो ये कहते आप करो, अगर इस काम को करने के लिए हम लोग मना करते हैं तो कहते तुमको मरवा दूंगी। आपको अश्लील हरकतों के लिए मजबूर किया जाता है, मजबूर किया जाता है। और ये जो हमारे डोगरे हैं, कई अमीर भी होते कई गरीब भी होते हैं, पर ये कहती हमें पैसा दो 4 लाख 5 लाख रुपए, अगर नहीं दोगे गंजी कर देंगे, बाल काट देंगे, तुमको मार के भगा देंगे, हम तीनों की जान में बेरहमी से खतरा ये संतोष से। ये आती है, ये नहीं आती है, पर इसको बेचती है नकली किन्नर को। इसने 30-35 साल यहाँ के लोगों को गुमराह करके रखा कि मैं किन्नर हूँ किन्नर। जब मैं इनके घर जाते हैं तो इसका पता लगाते हैं नकली किन्नर है। इसने पहले भी इस कारसपुरा में केस लगता है, इसने एक मुंडे को, इसके परिवार ने, इसके लड़के ने एक मुंडे का मर्डर करवाया अपने सगे भतीजे का, अभी भी केस छान भी नहीं कर सकते। एक जोड़िया का लड़का इसने कोर्ट मैरिज करा करके उसको भी इसने किडनैप कराया 1 महीने के लिए, फिर उस लड़के को अभी भी केस चल रहा है इसका। इसका इन किन्नरों के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हाँ जी जी, तो क्या आपके पास इसके पुख्ता सबूत हैं क्या? हाँ जी, हमारे सबूत हैं, हमने पेश भी किए हैं, वीडियो भी इनकी, रिकॉर्डिंग भी इनकी नो दी, चेला करने की, कागज देने की, हमारे पास सब सबूत है। विवाद इस बात का कि वो कह रहे हैं कि आप अश्लील हरकतें करो। हाँ जी, हाँ जी, आप हाँ जी, मना कर रहे हो और आपको दबाव बनाया जा रहा है कि इतना पैसा दो हमको। इस विषय को लेकर क्या आपने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई है? हाँ जी, हमने पुलिस में क्या बोलते एफआईआर दर्ज कराया है, हमारा क्या कार्रवाई एप्लीकेशन दी है, कार्रवाई चल रही है, उनको बुलाया जा रहा है, पर वो टाइम से 27 तारीख को टाइम दिया तो उन्होंने, अब वो क्या बोलते कोई बहाना बनाया नहीं बनाया, तो सरकार ने हमको ये बोला वो 2-3 दिन बाद आएंगे, कार्रवाई कर रही है, थोड़ा बहुत पता चल रहा है। आपने कौन से पुलिस स्टेशन में ये? सुंदरवनी में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी आप किन्नर समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे और एलजी प्रशासन से या जिला प्रशासन से क्या गुहार लगाएंगे और क्या मांग करना चाहते हैं? हमारी मांग इस नकली किन्नरों से सावधान, जो शादीशुदा हैं, जो टारगेट करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, लड़कों के साथ में गंदी हरकतें करते हैं, इन लोगों को इस दुनिया से बिल्कुल हटाया जाए, इनको सख्त सजा दी जाए। जो गरीब किन्नर को तंग करते हैं, कई हमारे गुरु ऐसे भी होते हैं हम लोग को तंग कर करके गंदे कामों के कराने के चक्करों में कि ऐसा काम करो, नहीं करते हैं तो हम लोग इतना दुखी होकर के हम अपनी आत्महत्या करने में भी मजबूर हो जाते हैं। क्या आपकी जो किन्नर समाज की एक संस्था है उस संस्था को आपने संदेश दिया और उसके माध्यम से भी कोई कार्रवाई की गई नकली किन्नरों पर? इनको ये क्या है, कहाँ गया वो? पहले भी इनका पर्चा लगा होता है, ये देखो पढ़ो, कोई कार्रवाई, इसका पर्चा लिखा हुआ था, कोई कार्रवाई नहीं कीजिए। आपस में किन्नर किन्नर एक दूसरे को पैसा दे करके, जे नकली किन्नर एक दूसरे को पैसा दे करके, जे आपस में खुद इनका ग्रोह है, खुद अपना ग्रोह बना करके कहते हैं हम मालिक हैं, हम ये हैं वो हैं। मालिक तो भगवान है, जिसने जन्म दिया हमको वो मार सकता है, ना इनकी औकात ना हमारी औकात है, जब हमारी मौत आने होगी तो रब के हाथ है, पर इनके हाथ नहीं है। पर जो ये गंदे काम करते असली हरकतें करते हम नहीं कर सकते, हम जहां रह रहे हैं हम अपने प्रूफ के नाल बैठे हैं, कोई भी किन्नर आता है सुंदरवनी में अगर ये संतोष आती है तो पहले मेरा नंबर है सबके पास है, मुझे पहले ये फोन किया जाए, अगर काल मुझे कुछ होता है जिसके यहाँ वो आती है मैं उसका ही गुहार लगाऊंगी, क्योंकि इन लोगों ने पहले भी इसने फगवाल में एक मुंडे को मरवाया
उस इलाके में जाता नहीं ना उस पिंड में, ये जाता है जम्मू के पास में, इनके केस मुझे पहले से ही पता है। हम गंदे काम कर नहीं सकते, हम अपना दो रोटी मांगते हैं, हमें गरीब भी मिलता है अमीर भी मिलता है, जो हमें देता है हम खुश उसमें हैं, पर हमें धमकी दी जाती गंदे काम हम नहीं कर सकते। क्या प्रशासन से आप जो मांग करते हैं कि आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ बनना चाहिए जिस जिला जिस तहसील में आप रहते हैं? हाँ जी, हाँ जाते हैं, आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ बनना चाहिए, और क्या बोलते उसको जान पर्चे मिलना चाहिए कि भाई जी यहाँ रह रही है, इसको कोई खतरा हो कुछ भी हो हमारे इसमें क्या बोलते सहायता होना चाहिए सरकार की। नकली किन्नर के द्वारा आपको क्या धमकी भी दी जा रही है? हाँ जी, धमकी दी जाती है, हमारे पास में रिकॉर्डिंग भी सुनाई हुई है थाने में, और क्या बोलते हो मोबाइल कहाँ गया, जूते चप्पल दिखाते हैं, हमारे पास वो वीडियो भी है, लड़कों को दिखाते हैं, हमारे पास सारा प्रूफ है, ये सारे प्रूफ हम दिखा भी रहे हैं आपको, और भी हमारे पास प्रूफ है जो मीडिया के सामने नहीं दिखा सकते। मेरे साथ भी आगे जो काम हो चुका है बटका में साथ भी हो चुका है, मेरे घर से सामान उठा के सोना चांदी पैसा तेरा उठा के लेके, आपका बलात्कार किसने करा? अखनूर वाली है काजल नायक ने, काजल नायक ने, जो अखनूर वाली इस भगत अभी बोलती है कि मैं नायक हूँ, मैं इस इलाके की मालकन हूँ, मैं ऐसी हूँ वैसी, उसने आगे भी मेरा बलात्कार करवाया, मेरा कोर्ट केस लगा हुआ है, पर अभी तक मेरी बाँ पे भी सुनाई नहीं होगी। इसने आपका चुनाव अभी तक पेश नहीं किया? ये बताओ, ये इसने करवाया था, मैं बता, कौन से पुलिस स्टेशन में आपने? अखनूर में। तो अभी तक कोई कार्रवाई? कार्रवाई नहीं हुई, वो अंदर नहीं गई, उसने अब क्या किया, मुझे साल डेढ़ साल हो गया ना इसको कोर्ट में बुलाया जा रहा है कि तुम्हारा अपनी तारीख कब आने वाला, कभी इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं, दो दिन भी अंदर नहीं गई। इसके साथ बलात्कार करवाया, इसके साथ दो दो लड़कों से रेप करवाया इसका, है अब वो फिर इसको मजबूर कर रहे कि ऐसे काम करो। इसका असली नाम क्या है? सोमनाथ जो डुप्लीकेट बना है। डुप्लीकेट है ये, सोमनाथ है। इनका क्या नाम है? इसका नाम संतोष नथा सिंह। जेंडर चेंज करवाया? हाँ जी। क्या पुलिस प्रशासन आपकी मदद करने में नाकामयाब रहा है आज दिन तक? ऐसा तो पुलिस विकास, क्योंकि वो आते टाइम दे करके झूठ बोल रहे हैं वो, पर हम पुलिस से ये कहते भाई उनको बुलाया जाए, आए दिन हमको धमकी मिल रही है, कहीं फोन में आते हैं, अभी मकाड़ा आकर के दो चार दिन पहले आकर के गई, अगर मैं उसको अकेली हम लोग कोई में कोई एक बंदा कल्ला मिल जाता हमको उठा के ले जाना, तो उनको मार देना था बस। साथ में वो मकाड़ी में आई। आपके द्वारा पुलिस को सूचित किया जाता है उसके बाद भी उचित कार्रवाई नहीं होती, इसका मतलब ये है कि पुलिस प्रशासन नाकामयाब है आपकी सहायता करने के लिए। अब वो पुलिस को पता होगा क्योंकि हमने तो उसको क्या बोलते गुहार लगाई सरकार के सामने, अब वो सुन रही नहीं सुन रही, काल हमको कुछ होता तो इसकी जिम्मेदार हमारी सरकार है। सरकार है बस, हाँ सरकार है। संतोष है, तू बोलना? संतोष है, इसके बच्चे काजल, संतोष काजल, इन्होंने संतोष ने रिकॉर्डिंग पड़ी मेरे पास, इसने रिकॉर्डिंग करके भेजा एक इसका ड्राइवर है सोनू, कहते हैं कि उनको भी हम शूट करवाएंगे, उनका भी इल्जाम लगा करके झूठे नाम कोई झूठा इल्जाम ऐसा लगाएंगे, उनको अंदर करवाएंगे, ऐसा करेंगे, कल क्रोतर हमने गवाह लगाई, हमने थाने में भी रिपोर्ट दी। जो आप कह रहे हैं आपके पास क्या प्रूफ है? हाँ जी, सब कुछ है, रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, सब कुछ प्रूफ आपने थाना के अंदर दिए? सब कुछ दिखाया, सब कुछ दिखाया, प्रूफ रिकॉर्डिंग सब कुछ दिखाया, मैं आज और के जेब बोलती हूँ, कल क्रोतर जूते चप्पल दिखा रहे वो भी प्रूफ दिखाया, लड़के वो भी प्रूफ दिखाए हुए हैं, क्या बोलते गंजी कर दूंगी, इतनी गंदी गंदी गालियां की अश्लीलता गाली हम इसमें नहीं बता सकते हैं, जो हमारी माँ बहन की ऐसी गंदी गाली की सुनने की भी हमारे होश तर्रा सकते हैं। जय हिंद जय भारत, हमारी मदद की जाए सरकार से, गुहार है इनको यहाँ पर नकली किन्नरों को मत आने दे, काल किसी के साथ कोई हरकत होती है कुछ भी होती है पर ये काल हम लोग को मत बदनाम करना, बस हम लोग को बदनाम का, हम लोग असली किन्नर, हमारा भी चेकअप कराया जाए, हमारा भी हर चीज कराया जाए कि हमारे कोई बीवी बच्चे कुछ निकलते हैं हम सजेदार हैं, पर जिन नकली किन्नरों को भगाया जाए यहाँ से, इनकी सख्त कार्रवाई के खिलाफ की जाए।